देशहित में आज हम आपको मध्य प्रदेश के सागर का एक वीडियो दिखाने वाले हैं। ये वीडियो आपको बता दें 14 मई का है। इस दिन 10वीं बोर्ड का नतीजा घोषित हुआ था। देखिए ढोल नगाड़े नाच गाना आतिशबाजियां पिता और बेटे के गले में फूलों की माला ये देखिए सब कुछ दोस्तों रिश्तेदारों को मिठाई बांटना और खान पान की ये तस्वीर देखिए जरा आपको समझ में आया आखिर ये हो क्यों रहा है सब कुछ। दरअसल आशु व्यास नाम के लड़के ने 10वीं की परीक्षा दी थी। आशु एक दो नहीं बल्कि 4 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया है। लेकिन पिता ने बेटे के फेल होने का भी ये जश्न मनाया है। कहीं बेटा हताशा में कोई गलत कदम ना उठा ले डिप्रेशन में ना चला जाए बेटे के मनोबल पर बुरा असर ना पड़ जाए इसलिए सागर में पिता ने बेटे के फेल होने का ये जश्न मनाया। देशभर में हम आपसे अपील करते हैं देखिए बहुत जरूरी मैसेज है ये कि बच्चों को ये भी बताना जरूरी है कि परीक्षा में फेल होने का मतलब जीवन में फेल होना कतई नहीं होता है। भारत में आप देखिए हकीकत ये है कि हर घंटे एक छात्र आत्महत्या करता है सुसाइड करता है। वाकई अफसोसनाक है कि 2011 से 2016 के बीच 49,249 छात्रों ने जान दे दी आत्महत्या सुसाइड कर लिया और इसी तरह 2016 में करीब 26 छात्रों ने हर रोज खुदकुशी की। 2016 में कुल 9,474 छात्रों ने आत्महत्या की। और आपकी एक पॉजिटिव सोच इन आंकड़ों को घटा सकती है तो आगे बढ़िए और सोच बदलिए। इसी के साथ देशहित में आज अब इतना ही।